अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एमएलए अशोक भाई यादव इन दिनों काफी चर्चे में है। एक तरफ जहां लोग चुनावी टिकट के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र क्षेत्रों में हर बार मुशक्कत करते हैं, वहीं बड़े ही भरोसे के साथ पार्टी ने भाव को स्वयं टिकट देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। स्थानीय स्तर पर भाव के कार्य उनके विरोधी भी याद करते हैं। सबका अपना अधिकार है, जो लोकतंत्र ने जो अपने को अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करके इस देश के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके उसको देश के प्रगति के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और वो जब तक आप खुद जाके वोट करके अपना अधिकार पूरा नहीं करोगे तो इस देश को बढ़ाने के लिए आपका जो योगदान चाहिए वो कम गिरेगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप योगदान दो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जमीनी स्तर पर भाऊ का कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप ही है, जिसके कारण पार्टी को दूर दूर तक कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। इस बात की खुशी और विश्वास क्षेत्र के हर मतदाता को है कि भाऊ इस बार वापस इतिहास दोहराएंगे। इस भरोसे की भी अपनी वजह है। आखिर एक आम मतदाता अपने प्रतिनिधि से क्या चाहता है, यही कि उसका प्रतिनिधि उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहे, उसके सुख दुख में उसका साथ दे। और इस मामले में अशोक भाव यादव का कोई जवाब नहीं। भले ही भाव इस समय पूर्व विधायक हो, पर उनके कार्यालय SV रोड इरला पर कभी भी नजर फेरी जाए तो वहाँ लोगों की भीड़ हमेशा देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि अभी चुनाव करीब है, बल्कि यहाँ मजमा हमेशा ही लगा रहता है। क्षेत्र में बस घूमकर ही भाव की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र में इस बार भाजपा प्रत्याशी के लिए भाव के सामने कमल खिलाना इतना आसान नहीं होगा।